जय हिंद। राम राम। मैं रोशन, युवक किसान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और सामने देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय और रहा फील्ड। ये फील्ड आपको बताना चाहूँगा जितने लोग नए हैं, यह फील्ड है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश राज्यों की दृष्टि से चौथा स्थान है और सुल्तानपुर एक ज़िला है, 75 ज़िलों में से एक ज़िला सुल्तानपुर है। मैं वहीं का निवासी हूं। आप देख रहे हैं केला खेती। प्लांटेशन करने के बाद 28 जुलाई 2023 के बाद 7.5x7.4 ग्राफ्ट लगाने के बाद उसके बाद से कई सारे बंचेस आए हैं खेत में, और जो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, कुछ जानकारी और कुछ चर्चा करते हैं केले के बारे में। अभी देख सकते हैं छोटा पौधा, तने की मोटाई कम, बंच ऐसा, और लगभग तीसरे चौथे लाइन में मैं कतार में हूँ। सभी कतारबद्ध हैं और दिन के बज रहे हैं 2, धूप ज़्यादा है। ऊपर देख सकते हैं ये ग्राफ 7.5x7.4 है, और यही देखते हैं खेत में कैसे कैसे बंच आए हैं। और ये देखिए पूरा खेत सामने। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, खेती को नए आयाम से देख रहे हैं और आ रहे हैं। तो देख सकते हैं जो फ्लावरिंग है। बंच मैनेजमेंट आनन फानन में ना करिएगा, बंच को अच्छे से निकलने दीजिएगा, उसके बाद ही बंच का मैनेजमेंट करिएगा। बंचे देख लीजिए, केला G9 है, G9 प्लस हमारी मेहनत। हमने कभी नहीं सोचा कि इस खेत में कौन सा काम कल करना है। अगर मुझे करना है काम तो मैं आज भी कर एक दिन पहले ही कर देता हूँ। जैसे इधर देख सकते हैं बंच, फ्लावरिंग देख लीजिए आप लोग। पूरा फील्ड आपके सामने है। अगर ओवरऑल फील्ड की बात करूं, फ्लावरिंग की बात करूं, पूरे खेत में चलूंगा। अभी हमारे पूरे भारत के किसान मित्र के खेत में फ्लावरिंग स्टार्ट है। उत्तर भारत को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं, और अगर मध्य भारत को देखा जाए तो पूरे मध्य भारत में कहीं पर कटिंग हो रहा है तो कहीं पर प्लांटेशन हो रहा है। तो केवल मैं अगर उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश स्पेशल बात करूं, तो अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्यों में कई कई सारी जगह पर केवल बंच ही आ रहे हैं। तो बंच को लेकर, बंच आ रहे हैं तो आप लोग कुछ ऐसा स्प्रे इस पर हिट नहीं करना है, कोई सा स्प्रे, बंच को पूरा नेचुरली निकलने दीजिए, और बंच पूरा नेचुरली निकल जाएगा। जैसे अगर इस पर बंच निकला हुआ है इस पौधे में, तो आप इस अगर फंगीसाइड के स्प्रे करना चाहते हैं या कीटनाशक के स्प्रे करना चाहते हैं इस पौधे पर कर सकते हैं साइड वाले, तो इतना कर सकते हैं आप। चलते हैं और साइड में देखते हैं बंच की कंडीशन। ऐसे ऐसे बंच आए हुए हैं सामने, ये लाइन में देखिए। अभी हाल ही समय में दो दिन पहले इसकी पत्तियाँ कटिंग कराया, तो पत्ती कटिंग कराने की रीज़न यही है, आपको बताऊं। अभी बीच में बारिश हुई थी, आपने वो वीडियो देखा था। तो मेरा मानना यही है कि जब बारिश होता है, बारिश से पहले इस जैसे सेंटर यहाँ बीच में देख सकते हैं धूलकड़ और कुछ पौधे की छोटे छोटे पत्तियाँ आकर इसमें बैठती हैं, इस सेंटर में। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर बैठी थी तो धूलकड़ बैठता, जैसे पानी बरसात हुई वहाँ पर तुरंत बीबल का बनाना बीबल बढ़ते हैं और लगते हैं। पौधे को यहाँ पर लगने के बाद देख सकते हैं यहाँ से कटिंग हुआ, जहाँ से पत्ता सूखा था केवल लग रहा था कि कहीं से पत्ते को नोच कर काट दिया गया है, नहीं, नोच कर नहीं काटा गया है। फील्ड सेट हो जाती है 1-2 दिन में। हमको खेत से पैसा लेना है, कमाना है, ना कि पौधे को पूरा, मतलब प्रोटेक्शन तो हम देर हम किसान से ज़्यादा कौन प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हमारा पूरा नीड, प्राथमिक नीड हमारा ही होना चाहिए। पौधे को अगर हम डिस्टर्ब करें तो उस दिशा में करें जहाँ हमें दो इनकम में कोई बदलाव ना आए। और देख सकते हैं अगर फ्लावरिंग की बात करूं तो देख लीजिए इतना ओवरऑल कंडीशन, लगभग 5 फीट के प्लस का बंच है, 5 फीट साइड में ऐसा है। तो वजनदार बंच देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि
कई सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी था। और ये देखिए सामने फ्लावरिंग का धूप सीधा सनलाइट आता है और एक पत्ता लेकर आता है बंच का। जब बारिश स्टार्ट हो जाए तब मई जून 15 जून के बाद इसको कटिंग कर सकते हो ऊपर वाला, पर अभी नहीं। ये देखिए पूरा फ्लावरिंग कैसा है, तने की मोटाई। अभी बंच मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन बंच मैनेजमेंट मैं लोकली करता हूँ। लोकल मतलब यहाँ की, जैसे लोकल में जो रेट रहता है उसी के अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट करता हूँ। ये एक बंच है, देख लीजिए आप। अगर खेत की बात करूँ तो ओवरऑल ऐसा है। सामने सभी लाइनें बद्ध हैं, कतारबद्ध हैं, और 7.5x4.5 ग्राफ है, 7.5 फिट 4.5 फिट। ये देखिए, यदि आप केला खेती करना चाहते हैं तो एक ग्राफ अपना, एक ग्राफ तो आपको कम से कम ऐसा रखना है। ये देखिए फ्लावरिंग, इसको जो बांधे थे हम और कतार में ऐसे रखे थे इसके नीचे, इस फूल को। ये फूल यहाँ पर रखने से यही होगा, इसके नीचे ये देखिए इसको डिकम्पोज करके यहीं पर कंपोस्ट बनेगा, और ऑलरेडी बाहर से कंपोस्ट लाने का काम नहीं करना पड़ेगा आपको। जो आप दिए हो पौधे को, पौधा खुद व खुद उसको वहीं सेट करेगा। कई सारे बंचेस आ रहे हैं, ये देखिए। मैं उत्तर भारत उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। ये देखिए जितने लोग खेती कर रहे हैं या साथ मिलकर चल रहे हैं, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, भैया ऐसी बात है। और आपको दिखाऊं इधर एक फ्लावरिंग, इधर दिखाऊं, इधर देखो फ्लावरिंग देखो कैसा है। अगर इस फ्लावरिंग का ओवरऑल बात करूं, सबसे ऊपर पंजे से गिनना स्टार्ट करूंगा, सबसे ऊपर पंजे से स्टार्ट करूंगा तो देख सकते हैं ऊपर वाला एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर दस, फिर ग्यारह, 12, 13, 14, 15, नीचे वाला 16, 17, 18 है एकदम ऊपर वाला। इसको लेकर इस साइड में एक ऊपर वाला निकला है, दूसरा इसको हुआ, ऐसे करके 18 पंजा करीब आया है। दिखावे की बहसबाजी करना और काम करके दिखाना दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं कई सारे वीडियो देखता रहता हूँ, दिखावे की बहसबाजी या फिर करके दिखाना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। और जो पत्ते कटिंग किया था, यहीं से कटिंग किया था, देख सकते हैं, उससे कोई किसान पत्ते अगर समय से, जैसे बारिश के उस दिन पत्ते कटिंग किया था तो कुछ हल्का बारिश आई थी, और रस्से की बधाई जब चालू करो तो बीच में नहीं देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं। कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ करना पड़ता है। इधर देख लीजिए आप इस फ्लावरिंग को देखो, इसमें आप समझ लीजिए जानवर इधर अटैक किया है, खेत में पाँव है उसका, पूरा देख सकते हैं सामने से, इधर सेंटर किया था नीचे से और इसकी चट कर गया पूरा। ऊपर का फ्लावरिंग देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्लस बंच है इसमें, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब 19 पंजा इसमें लगभग था, जिसमें से 10 पंजे करीब अभी भी बचा है। और ऐसे ऐसे करके बंचेस हैं पूरे खेत में, और कहां पर देख सकते हैं सामने चल रहे हैं। तो केला खेती यदि मान लिया, लगाने को ठान लिया, इसको नीलगा ने जो ठेल दिया था, गिरा दिया था, यदि आपने मान लिया, एक बार ठान लिया हमें करना ही है, करना ही है, पिताजी के साथ करना है, तो घर है तो करना है। देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा सा खाया है नीलगाय। अगर केले की बात करूं तो देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे दाने भी पड़ते हैं, जब निकलता है ये छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने इधर देखिए, जब केला बनता है, जब बच्चा बनता है, इसमें छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं एकदम बारीक, और यही जाकर पल मतलब गुदे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पूरा ओवरऑल बंचे भी, ये भी बंच लगभग 20 के करीब, 19-18 पंजा करीब है। इधर इधर देखा जाए, नीलगाय का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा। इधर देखिए
इस बंच को यहाँ से हटाते हैं, पत्ते को बंच के ऊपर से, और बंच कुछ इस तरीके से। तो जितने भी लोग केला खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, अब भाई आपको मैं एक बताऊं, मैं एक सर्वे में देखा, मतलब कि अपने उत्तर प्रदेश किसान, इनको केवल जगाने की देर है, जगने की देर है। एक बार ये जग रहे हैं, जैसे अभी हम अपने स्टार्ट किए थे केला खेती, तो शुरुआत में जो स्ट्रगल हमने देखा, अगर कभी समय मिला तो मैं उस स्ट्रगल को आप लोगों के बीच में चर्चा करूँगा। स्ट्रगल कर रहा था लगभग कई सालों से, तो उस समय एक हमारे लिए चुनौती था मार्केट बनाना, शुरुआत का जो चुनौती, और इस सुल्तानपुर ज़िले में एक मार्केटिंग बनाना हमारे लिए। केला खेती तो हम शुरू कर दिए थे, लेकिन मार्केटिंग आप समझ लीजिए हमें हाथ जोड़कर करनी पड़ती थी। हाथ जोड़ते थे, भैया ले लो, कभी समय मिला, कभी आप लोग ज़्यादा मात्रा संख्या में साथ रहे आए तो इस पर चर्चा किया जाएगा। वो शुरुआती दिन आप लोग सुनेंगे तो आप समझ लीजिए आपको बहुत तो ही ख़राब लगेगा कि भैया ऐसा भी किए हो क्या। तो शुरुआत में जब हम केला खेती किए तो ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे हमको हाथ जोड़ना पड़ा था। लेकिन आज आप लोग और उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत जिस तरीके से सामने आ रहा है, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश राज्य केले का उत्पादन रिकॉर्ड करेगा। और जब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से गाड़ियां उत्तर प्रदेश में आएंगी और उत्तर प्रदेश से केला लेकर बाहर जाएंगी, और बाहर ही नहीं, बाहर कंट्री में जाएंगी, और उत्तर प्रदेश में बाहर का पैसा आएगा और किसान सशक्त होंगे। सरकारें सशक्त नहीं करती हैं, सरकारें केवल हमें प्रोटेक्शन दे सकती हैं, हमें अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोटेक्शन दे सकती हैं, लेकिन सशक्त और आत्मनिर्भर हमें खुद की मेहनत और खुद की एक सोच से बनना है, आगे चलना है। हमें ऐसा रोना नहीं रोना है कि नहीं भैया ऐसी सिस्टम है तो मैं इस तरीके से रोना रोऊंगा, मतलब 50 से 60 साल की ज़िंदगी में आप सिस्टम का रोना रोओगे, सरकार का रोना रोओगे, तो ये गलत बात है। तो कुछ आगे करो, उत्तर प्रदेश हमें लगता है हर राज्यों में उत्तम प्रदेश है, बस यहाँ कमियाँ है आगे आने की, और केवल किसान ही आगे आए ये बहुत ज़रूरी नहीं। जैसे एक छोटा सा पौधा सामने बच गया था, देख सकते हैं इसका ग्रोथ नहीं हुआ, बीच बीच में जंगली सूकर ने इसको तोड़ दिया था, ग्रोथ नहीं हुआ, तो अभी ऐसा देख सकते हैं उसी में निकला है। तो हमें जगने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे जग जाएं, जैसे व्यापारी लाइन में जग जाएं, कोई प्लांटेशन में जग जाए, कोई फल की खरीदारी करके अपना चैम्बर बना ले, कुछ ऐसा, मतलब एक ही काम नहीं केवल आप केला खेती करो, नहीं, विधियां तमाम हैं, आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक दिन में करोड़पति कैसे बने, इस तरीके का विचार किसान के बच्चों को ज़्यादा आ रहा है कि भैया अभी मैं ड्रीम इलेवन पर 49 लगाऊँ, 59 लगाऊँ, ऐसा कुछ लगाऊँ तो एक दिन में करोड़पति बनूँगा, तो इस तरीके का विचार और इस तरीके का निकाल दें एक दिन वाला। यदि आप लोग ठान लिए, एक बार केवल ठान लिए कि नहीं मुझे करनी है, आप एक बार आएंगे, उसके बाद आप कहेंगे भैया जी आप ऐसा चीज़ हमें दे, हम लोगों के लिए दिए जिस समय आप खड़े थे, और जिस समय मैं एक वादा करता हूँ, अगर जिन किसी भाई को कोई भी तकलीफ हुआ एक कमेंट करिएगा, नहीं तो अभी आने वाले दिनों में नंबर अपडेट कर दिया जाएगा जिससे आप लोग संपर्क कर पाएंगे, सीधा बातचीत कर पाएंगे। और बाहर से खेत में पॉलिथीन आई है, देख सकते हैं, इसको बाहर कर दिया जाएगा अभी। तो अगर आप लोग साथ आ रहे हैं, जैसे अभी हमें एक सर्वे के मुताबिक जब मैं केला शुरुआत किया था तो मैं केले की मार्केटिंग के बारे में मुझे पता नहीं था कैसी मार्केटिंग, आज भी मार्केटिंग है, पर मार्केटिंग कैसे होता क्या है ना, जब किसी चीज़ की मेजॉरिटी हो जाती है, मतलब ज़्यादा संख्या में रहता है तो उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जब आप एक कम मेजॉरिटी माइनॉरिटी में रहेंगे, कम संख्या में रहेंगे, उस पर सरकारें भी ध्यान नहीं देती हैं, तो आप ज़्यादा संख्या में रहेंगे। जब मैं केला की शुरुआत किया था खेती, उस समय 1-2% एक्सपोर्ट हो रहा था, सुन रहा था कि केला अब पूरे भारत में 1-2% केला एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन आज के डेट में सरकार भी चौकन्ना है, जो 7-8 या 9% टाइप का करके ये बाहर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करती है केला इंडिया का। यदि आप
तरीके हजारों हैं केला खेती करने के, केला खेती करने के तरीके हजारों हैं और रिक्स भी हजारों टाइप के हैं। जैसे मेरा तरीका ये है, मैं कभी बेड नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि जब मैं मिट्टी लगाता हूँ, अभी आपको दिखाऊँ, मिट्टी लगाता हूँ, ये वाला कतार नीचे है और इस पौधे की लाइन है ऊपर, तो मैं तीन बार साल में, एक 365 दिन में जब तक फ्लावरिंग नहीं आता है, तीन बार मिट्टी लगाता हूँ प्लांटेशन के एक से डेढ़ मंथ बाद, और दिसंबर नवंबर लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट तक, मार्च लास्ट में एक बार, तीन बार मिट्टी लगाता हूँ। हमारा खेत इस तरीके से बन जाता है बेड टाइप का। इसमें पौधे को हमें हमारे प्रोटेक्शन मिलता है, ना कि बेड। बेड अगर हम बनाएंगे, हम उत्तर भारत से हैं, हमारी मिट्टी जलोढ़ टाइप की है, काली मिट्टी नहीं है ये, मिट्टी जलोढ़ नहीं है, काली मिट्टी नहीं है ये। अगर मैं मल्चिंग करता हूँ, कई बार मैं मल्चिंग करके देखा तो बेड में कुछ अनसक्सेस हमको दिखा, पर मल्चिंग भी सक्सेस। जो किसान तरीके मैं बोला हूँ, हज़ार तरीके हैं, जिस तरीके पर आप जाओ वो भी तरीका बेस्ट है, हर एक तरीका। जैसे मैं रस्सी की बधाई इस तरीके से करता हूँ, देखिए सामने देख सकते हैं, इधर बांधा और जस्ट इसके अपोजिट साइड में पौधा इधर खड़ा है, डबल पौधे में रस्सी दिया और सिंगल बांधा। तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, कितने लोग कहते हैं भैया मैं एक पौधे पर ही रोक सक दूँ, एक रस्सी पर ही पौधे को रोकूँ, तो नहीं, मैं एक रस्सी पर पौधे को नहीं रोकता हूँ। ये देखिए सामने केला खेती जो करते हैं उत्तर प्रदेश में, यही एक चीज़ हम देखे आज तक देखे कि जो कोई सिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, लोग उसे पागल समझते हैं, जो कुछ जानते हैं लोगों को बताना नहीं चाहते, और जो बता रहे हैं उनका कोई सुनना नहीं चाहता। यहाँ पर कुछ टाइप ज्ञानी टाइप के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पीछे है, लेकिन हमको इन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, और आगे चलते हुए अलग कुछ करना है लोगों के लिए। अगर उत्तर प्रदेश एक बार बदला तो भारत की तस्वीर उत्तर प्रदेश से और बिहार से ही निर्धारित होती है। ये देखिए बंच साइड में कॉर्नर पर बंच है, धूप ज़्यादा है, बंच में सनलाइट ज़्यादा लग रही है, चिल्ड हो रहा है, और आप देखोगे तो जो बारीक बारीक है इसमें से लासा टाइप का, ये देखिए लासा टाइप का निकल रहा है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे रहने दीजिए। अगर धूप लगेगा तो फंगस स्प्रे आएंगी, इसमें फंगीसाइड का स्प्रे होगा लगभग डेढ़ मंथ बाद पौधे पर। तो उत्तर प्रदेश बिहार से पूरे भारत की तस्वीर बयां होती हैं, और पूरे भारत, जैसे अपने राज्यों में बात किया जाए, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों की अपनी एक विशेषता है, इनकी एक विशेषता है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी विशेषता बनाइए, कुछ अलग विशेषता बनाइए कि हम लोग भी कुछ करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो गन्ने सर्वप्रथम, चावल में सर्वप्रथम, तो इन दोनों खेती करने से किसान का कुछ होने वाला है नहीं, कन्फर्म है। और केला खेती तरीका से नहीं किया जाएगा तो भी कुछ नहीं है, अच्छे तरीके से किया जाएगा तो प्रॉफिट तो बहुत है। और समय से उत्पादन आया, बंच आया, समय से फ्लावरिंग आई, समय से, तो समय से सेलिंग होगा, अच्छा मुनाफा आएगा केले में। बाकी ओवरऑल हमारा खेत तो इस तरह से आपने देखा। केला खेती किसान करने वाले, जैसे किसान शुरू किया केला खेती, उसको भड़काने वाले कि उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, कुछ गाँव क्षेत्र के जो किसान हैं, किसान लोग हैं, वहाँ कर रहने वाले लोग हैं, तो उसको बताएंगे भैया आपका केला, मतलब वो खेती वो कर रहा है, तो उसको बताने वाले बाहर से आते हैं, गांव के ही लोग बताते हैं ऐसा है वैसा है, क्यों खेती कर दी ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट्स होता है मन में कि वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अभी कुछ दिखाने से अच्छा है, मतलब कुछ कहने से अच्छा है कुछ करके दिखा दिया जाए, जैसे इस फ्लावरिंग को आपने देखा था, कुछ करने से अच्छा है कि कुछ करके दिखा दिया जाए। मैं यही मानता हूँ कि किसी चीज़ का रोना रोने से अच्छा है। जी हाँ, फिर से एक बात बताना चाहूँगा, मैं रोशन, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से।
आप लोग हमारा फ्लावरिंग कई ऐसे ऐसे बंजे देखें जो अविश्वसनीय है अपने आप में, यूपी के लिए अविश्वसनीय है। इसमें भी, इस पंजे में भी देख सकते हैं नीलगाय ने इस तरह से कटिंग करके खा गया, और देखा जाए तो नीचे ज़मीन में भी इस तरीके से किया हुआ है। और इस समय मैं खेत में चल रहा हूँ तो समझ लीजिए, ये देखिए कैसे है, धूप है ज़्यादा और फिर भी रस्सी डबल लगती है इस तरीके से सामने, और बंच को मैनेज किया जाता है। अगर इस तरीके से आप रस्सी लगाएंगे जैसे मैं लगाया हूँ रस्सी, डबल रस्सी लगाकर पौधे को टाइट करेंगे, टाइटली बाउंड करेंगे ऐसे, तो समझ लीजिए एक साइक्लोन अगर इस साइड से आया, इस साइड से इधर गया तो कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, गिर नहीं सकता। अगर रस्सी की तनाव की बात करूँ, देख सकते हैं इस तरीके से, अगर इस रस्सी पे ये देखिए कितनी टाइटली, इसमें टेंशन है, देख सकते हैं तनाव है, पूरा टेंशन है रस्सी में। तो वीडियो दूर दूर तक शेयर कर देना, कोई उत्तर प्रदेश से बाहर का केला नहीं है, अपने यहीं का लोकल का जिला, लोकल और सुल्तानपुर ज़िला। और मैं बहुत बड़ा एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, पर इतना ज़रूर है कि अपने क्षेत्र का एक, अपने क्षेत्र के साथ साथ जब से सोशल मीडिया आई है, योगी फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से टेली कम्युनिकेशन से लोगों को जोड़ते गए स्मार्ट योजना से, तो हम दिखा भी पा रहे हैं। इसके पहले हम जब खेती करते थे सोशल मीडिया पर इंटरनेट का सुविधा था लेकिन उतना कम था, हमारे पास था भी नहीं, लेकिन आज है, देख सकते हैं ये पत्ते रिवर्स होकर, रिवर्स हुआ, अनफंगस, फंगस फंगस नहीं लगा था, रिवर्स हुआ, पौधे को दिया, अब ऐसे मुड़ जाएगा नीचे। तो देर ना करते हुए, वीडियो को बड़ी ना करते हुए थोड़ा चर्चा किए हैं। हाँ, अगर उत्तर एक बार ठान लिए हो, ठान लो, कहीं पर डाउट होता है आप एक मैसेज करेंगे, समय मिला तो रिप्लाई करूँगा। तो किसान टोटल खेत पर डिपेंड रहता है, लेकिन किसान के बच्चों को कहना चाहूँगा टोटली खेत पर ना डिपेंड रहें, खेत पर ही टोटल डिपेंड ना रहें, और पिताजी के साथ हाथ बटाएं जब हों घर पर, मेहनत करें, पढ़ाई के साथ करें, अलग से करें। अगर पिताजी कह रहे हैं नहीं ये करना है तो करिए, अगर पिताजी, अगर तुम पिताजी से कह रहे हो नहीं मान रहे हैं तो वीडियो दिखा दो कि भैया जी हैं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और कितने लोग कर भी रहे हैं अच्छे से, डाउट कोई नहीं है। और आप भी आइए, इधर देख सकते हैं फ्लावरिंग, ज़बरदस्त फ्लावरिंग आ रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम, याद करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। जय हिंद।